मेरा स्टूडियो बहुत बड़ा है भाई, ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है। सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और एक नए व्लॉग में। अभी का फिलहाल का समय हो रहा है 12:05 और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत दिनों बाद आपको व्लॉग देखने को मिल रहा है। इसका रीज़न बहुत ज़्यादा सिंपल था, मेरी पढ़ाई चालू थी इसलिए मैं आपको व्लॉग दे नहीं पा रहा था। मैं कोशिश करूँगा हफ्ते दो हफ्ते में 1-2-3 वीडियो डालने की। और आज का व्लॉग स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज हम मिलने जाने वाले बहुत ही ज़्यादा बड़े यूट्यूबर को, सो वो भी आपको देखने को मिलेंगे आगे वाले व्लॉग में। तो अभी फिलहाल के लिए मैं तैयार हो चुका हूँ और अभी नीचे जाते हैं, साइकिल निकालते हैं और चलते हैं। सो यहाँ पे फिलहाल के लिए मैंने साइकिल यहाँ पे जो निकाल चुकी है, अभी फिलहाल में साइकिल के लिए हवा नहीं है तो साइकिल में हवा भराते हैं और सीधा जाते हैं। यहाँ पे मेरे को जाना है अभी 8 किलोमीटर दूर, तो फिलहाल के लिए साइकिल में हवा भराते हैं और निकलते हैं 8 किलोमीटर दूर। यहाँ पे मेरे को एड्रेस तो पता कर लिया था और सर से अभी मैंने तुरंत कॉन्टेक्ट किया और यहाँ पे सर के अपोजिट के घर पे मैं रुका था। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए सर ने जो बोले वहाँ पे हम आ चुके हैं, तो अभी फिलहाल के लिए सर का गेट यहाँ पे खोलते हैं और यहाँ पे हमें मिल चुके हैं योगी सर। जी हाँ गाइस, योगी बोलता है सर। सर एक बार वो डायलॉग, मेरा नाम है योगी और आज हमारी मुलाकात होगी। सो गाइस यहाँ पे फिलहाल के लिए हम आए हैं इनके घर पे, इनका स्टूडियो भी आपको दिखाएंगे जल्दी। इस फिलहाल के लिए अभी हम जाते हुए सर के स्टूडियो की तरफ, तो सर अभी हमको यहाँ पे लेके जा रहे हैं स्टूडियो की तरफ। अचानक से धूप आ गई है और यहाँ पे हल्की हल्की धूप और बारिश भी हो रही है। हाँ, गजब मौसम है। चलो अब चलते हैं हम सीधा सर के स्टूडियो की तरफ। मेरा स्टूडियो बहुत बड़ा है भाई, ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है। तो अगर आप आओगे देखोगे तो ये है सर का स्टूडियो। जैसा है, कचरे को मत दिखाना भाई। इस तरह का है सर का स्टूडियो और यहाँ पे है गोल्डन प्ले बटन। वो मेरा मेरे ये है मेरा जिसका अभी ना टैलेंट तड़का का है, उसका टी निकल गया देखो, टैलेंट तड़का का। और ये जो है, ये टैलेंट तड़का जब 1 लाख सब्सक्राइबर हो चुके थे, और इधर जो लगा है वो है योगी बोलता है जब 1 लाख हो गए थे। अभी तो 5 लाख हो चुके हैं उस पर। एंड दिस इज माय स्टूडियो। ओके, तो यहाँ पर जो कचरा दिख रहा है रहने दीजिए, दैट इज माई डेस्क एक्चुअली। इस ये नहीं होता तो मेरा काम में मन नहीं लगता। तो लेकिन जो ये स्टूडियो है, आप अगर देखोगे तो ये इतना सा है, मतलब ये जहाँ पर खड़ा है बस, और खतम। बस ख़त्म ख़त्म हो गया है। एंड थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। यहाँ तो मैं यहाँ पर जितने भी अपकमिंग आने वाले मूवीज़ होते हैं वो मैं लिख कर रखता हूँ पूरा, कि कौन सा आने वाला है। इधर पहले एक लिस्ट बनी होती है कि इतने इतने आने वाले हैं, बाद में इधर मैं लिख कर रख देता हूँ। एक और है मेरे पास इधर, यहाँ पर जितनी भी मूवीज आ रही है, जैसे इधर लाइट ईयर आई थी, बुलेट ट्रेन या डार्लिंग्स या 20 में कराने वाली है 14 को, या शी हल्क 17 को आने वाला था, अभी 18 को आ रहा है, पोस्टपोन हो गया। तो अभी वो तमिल रॉकर्स वगैरह शी हल्क एक ही दिन में आ रही है दोबारा, अभी तो सारा बना रहता है, पूरा शेड्यूल ट्रैक करना। हाँ, वो पूरा ट्रैक रखना पड़ता है ताकि अपन भूले ना किसी चीज को, है ना। स्टूडियो में आप आए हो इधर तो सिर्फ ये वाला पोर्शन तो मेरा वर्किंग एरिया है, लेकिन मेरे बैक के पीछे, मतलब जो हमेशा ग्रीन स्क्रीन होती है, तो वो यहाँ है, तो वो है ये दरवाजा। मैं दरवाजा बंद करूँ एंड तो ये पूरा ग्रीन स्क्रीन लगाऊं थोड़ा, तो पूरा ग्रीन स्क्रीन है पीछे। तो ये है ग्रीन स्क्रीन जहाँ मैं यहाँ पर बैठता हूँ, इधर अपन ऐसे दिखाता है इसको थोड़ा। तो ये है वो चेयर, ठीक है, जहाँ पर मैं बैठता हूँ, और उसके पीछे होता है ये ग्रीन स्क्रीन जो बहुत बार आपने देखा होगा इनकी वीडियो में। बहुत बार तो ऐसा है स्टूडियो। ये मेरा लाइट है जो ऊपर करके रखा हुआ है मैंने बेसिकली, ताकि रूम पूरा हो। हाँ, ये पूरा मतलब रूम कवर हो जाए, और इस पर बेसिकली ग्रीन स्क्रीन बेसिकली होना चाहिए लाइट वाला, ये सब तो इतना पोर्शन चलता है। वैसा है, अगर ये एक्स्ट्रा लाइट है, अगर रिक्वायरमेंट हुई, अगर मैं कभी लाइव आता हूँ तो उस टाइम में अगर रिक्वायरमेंट होती है तो ये लगाता हूँ। और सर से मैं पहली बार लाइव में ही बात की थी यहाँ पे यूट्यूब के लाइव में, दीपेंद्र सिंह के साथ वाली लाइव में। दीपेंद्र सिंह तब भी तो अपने लाइव में बात की, तब मैंने आपको पूछा था मैं आऊंगा एक बार मिलने। इस बंदे ने एक्चुअली मेरे को बचाया है किसी चीज से। मैं आपको बताता हूँ कि अभी थोड़ी देर, मतलब एक दो दिन पहले
एक्सीडेंटली मैंने मेरा नंबर रिवील कर दिया था, और इसने बता दिया कि सर आपका नंबर रिवील हो चुका है, प्लीज उसको डिलीट कर दीजिए। इसने नंबर रख लिया, बाद में डिलीट करने को बोला मेरे वो मैंने को। इसलिए रखा क्योंकि मेरे को आना था सर से मिलने, इसलिए मेरे नंबर भी रख वो तो आप लिया। इंस्टाग्राम पे अगर मुझे बोल भी देते तो भी मैं आपको भेज देता नंबर। अब मैं बोला वो मिल एक्सीडेंटली मिल गया मेरे को, मैं वैसे तो मांगने वाला था यहीं पे आया रहता तो मैं मांग लेती। और भी दो चार पांच लोगों को मिल चुका है नंबर, वो लोग भी लीव रिविल नहीं करे बस वही। एक एक चीज आपको बता दूं कि यहाँ पर ना मेरा सिर्फ सेटअप है, मतलब सेटअप इन द सेंस मेरा यहाँ क्या कहते हैं उसको, सीपीयू नहीं है इधर। सीपीयू इस कमरे के बाहर है ताकि यहाँ पर नॉइज ना आए किसी भी चीज की। अच्छा सीधो के वहां हाँ, भाई यहाँ पंखे पर की। वायर्स पूरे बाहर निकल चुके हैं, अच्छा और ये जो टेबल यहाँ पे दिख रहा है ना तुमको, ये टेबल यहाँ बहुत कचरा है बेसिकली, लेकिन इसके अंदर मेरा सीपीयू रहता है यहाँ पे। अब देख पा रहे होंगे ये है इनका सीपीयू, बाहर स्टूडियो हाँ, के बाहर लगा है। हाँ तो ताकि वो नॉइज ना करे, किसी भी आवाज आती रहती है एकदम नॉइज टाइप, वो पता है वो जो इसकी तो वो ना आए इसलिए सीपीयू ऑलरेडी बाहर रख दिया है मैंने, ताकि ताकि आवाज थोड़ा सा भी आवाज ना आए। और वो जो स्टूडियो में अगर तुम देखोगे तो मेरे पोर्शन के पास जब मैं यहाँ पर बैठता हूँ तो यहाँ आवाज नहीं घूमती अच्छा बिल्कुल भी, तो इस जगह पर आवाज नहीं घूमती। और जब कभी भी रिकॉर्ड करता हूँ, ये माइक है मेरे पास, जब अच्छा। कभी भी रिकॉर्ड करता हूँ तो आवाज एकदम दब जाती है, क्योंकि ये अच्छा। जो लगाया हुआ है वो साउंड प्रूफ, साउंड प्रूफ मटेरियल है, अच्छा। रॉकवूल कहते हैं इसे, अच्छा तो वो साउंड प्रूफ मटेरियल से आवाज नहीं घूमती। और अच्छा। अगर अगर मैं इधर बात करूँ तो आवाज थोड़ी बहुत गूंजेगी गूंजेगी, मतलब इतना इतने नहीं, ये थोड़ा बड़ी कम नहीं, है हाँ हाँ। तो अलग साउंड करेगी। अच्छा। तो हाँ ये है छोटा सा प्यारा सा सर का स्टूडियो, मेरा स्टूडियो। फिलहाल के लिए हमारा मीटिंग वगैरह सब हो चुका है और अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे सर से, सर भी रिकॉर्ड कर रहे हैं और फिलहाल के लिए सर से मिलके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा सही सर है। और इधर तो दिख ही नहीं, अच्छा यहाँ पे सर भी अपना ब्लॉग शूट कर रहा है। मैं ब्लॉग शूट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये वाला वीडियो जो है इसको भेज दूंगा, इसको ऐड करके ऐसे अटैच करके प्यार से चिपका कर दिखा देना। हाँ तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मज़ा है। अभी फिलहाल के लिए 2 बजने करीब है और मैं यहाँ पे घर जाने के लिए रुका हूँ, 8 किलोमीटर दूर से आया हूँ। हाँ ये बंदा 8 किलोमीटर दूर किससे आया है वो देखो, साइकिल से, साइकिल से, साइकिल से आया बंदा। हाँ वो पहले थैंक यू, चलो सर थैंक यू बहुत, मिलकर अच्छा लगा, मिलते रहेंगे, बाय बाय। इस फिलहाल के लिए अभी हम कुरकुरे खा रहे हैं यहाँ पे, रुके बारिश हल्की हल्की चालू है, अभी कुरकुरे खाते हैं और निकलते हैं। फिलहाल के लिए 2:30 बज चुके हैं और अभी मैं घर आ चुका, बहुत ज़्यादा पसीना पसीना हो गया, अभी खाना वगैरह खाते हैं और फिर बात कर बताता हूँ। दोपहर के 4 बज रहे हैं और मैंने जो अभी ब्लॉग शूट किया उतना एडिट कर लेता हूँ, क्योंकि खाना पीना और रेस्ट वगैरह जो करना था सब हो चुका है। और जब मैं योगी सर से ना आज मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी यूट्यूब के बारे में जो मेरे को फ्यूचर में हेल्प करेंगी, और योगी सर ने बहुत ज़्यादा मदद की, मतलब मेरी हेल्प करें, मतलब बहुत सारी चीज़ें मेरे को सिखाई है, तो उसके लिए मतलब थैंक यू बोलना चाहूँगा मैं योगी सर को। और अभी फिलहाल के लिए मैं देखने वाला हूँ इसके बाद एडिटिंग करने का प्री हिस्टोरिक प्लैनेट, ये एक सीरीज़ है डायनासोर के ऊपर सीरीज़ है, मैं आपको हल्का सा इसका इंट्रो दे दूंगा, ये 5 एपिसोड की सीरीज़ है तो 5 कितने घंटे की मेरे को पता नहीं, तो आज मैं वाली सीरीज़ भी देखने वाला हूँ। फिलहाल के लिए प्री हिस्टोरिक प्लैनेट देख के ख़त्म हो चुका है और फिलहाल का समय 9:00 बज रहे हैं, अभी फ़िलहाल के लिए एडिटिंग को बैठेंगे। और उसके पहले एक चीज़ मेरे को आपको बताना था, प्री स्टोरिक प्लैनेट आपको देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। सो अगर आपका इंटरेस्ट डायनासोर के प्रति है, अगर आप जानना चाहते हैं डायनासोर पहले कैसे रहते थे, मतलब कोई इंसान नहीं था तब कैसे रहते थे, तो उसके लिए सीरीज़ है, 5 एपिसोड है, 40 मिनट्स का एक एक एपिसोड है, सो अगर आपको देखना होगा तो आप जाके देख सकते हैं। फिलहाल के लिए एडिटिंग जो है वो कम्प्लीट हो चुकी है, आज की वीडियो में हमने किया था भाई योगी सर से मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और उनका जो स्टूडियो है वो हमने रिवील कर दिया। और गाइस आई होप सो आपने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा, अगर एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स पे बताना आपको ये व्लॉग कैसा लगा। सो गाइस मिलते हैं अगले व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।